छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलई के नैना मिलई के सपनों हाँ बोलो मारो कब पहुँचे हैं मचा क्योंकि काम है कोई खास बात हाँ खास बात है यार जल्दी जल्दी कहती हो तुम जानती हो मैं अपने काम में बिजी हूँ अभी तुम्हारा फोन बजा तो मैं ऑफिस से बाहर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए क्या फिर डिस्टर्ब कर दिया मैंने तुम्हें हाँ डिस्टर्ब तो किया है तुमने मेरे ख्याल में तुम मुझे बता ही दो क्या बात है दोबारा फोन करोगी नहीं तुम आओगे तब बताऊंगी ना क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं याद आज क्या है मारो की जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें हैं ना ये मेरे लिए इतनी अहम नहीं है जितना मेरा काम है यू अंडरस्टैंड अब मुझे वापस ऑफिस में जाना है अब मैं घर आऊंगा ना तो मुझे बता देना ठीक है अच्छा सुनो ना बताती हूँ अब जल्दी आने की कोशिश करना आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ओ अच्छा अच्छा देखो मेरी आज बहुत जरूरी एक मीटिंग है मैं कोशिश करूंगा आने की अच्छा ठीक है मैं इंतजार करूंगी ऑलराइट बाय
मुझे डरा दिया तो तुमने। क्यों बुलाया ऊपर, इतना मजा आ रहा था नीचे। आज तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, तुम नीचे लड़कियों के साथ गाना बजाना कर रही हो। वाह, अब जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे वापस जाना है। कह दूँ? आज तुम क्या कमाल लग रही। बस यही कहने के लिए बुलाया था मुझे, अबे जाओ। तुम्हें पता है इंटरव्यू की कॉल आई है, दुआ करो कि जॉब मिल जाए इस बार। मैं तो रोज दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए, पर अब मुझे डर लगने लग गया है। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना तो शादी नहीं होगी हमारी। बहन मेरी बात सुनो, जॉब मिले या ना मिले तुम्हारी शादी मुझसे ही होनी है। बचपन की मोहब्बत को अब मैं इस तरह तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बुरहान, अपने दिल में इतनी खुशी पालने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ हम बचपन के साथी हैं, घर से घर मिले हुए हैं। तुम मेरे मामू के बेटे और हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन ये सब काफी तो नहीं है ना। बुरहान अम्मा नहीं चाहती कि मैं उनकी तरह गुर्बत में जिंदगी गुजारूं। ये मैं सब समझता हूँ, मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। इतनी सी बात तो परेशान हो। छोटी सी बात नहीं है बुरहान, हमारी जिंदगी का सवाल है। नहीं तो तुम्हें पता है कि बड़ी से बड़ी बात पे भी घबराती नहीं हूँ मैं। ये तो मुझे पता है, इसीलिए मुझे हैरत हो रही है कि तुम इतनी सी बात पे इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें पता है मेहरमा, प्यार करने वालों को सबसे पहले एतबार करना सीखना चाहिए, सारी खुशी अधूरी रह जाती है।
पर एतबार के साथ साथ मुझे तुम्हारी पूरी मोहब्बत, पूरी खुशी और पूरी तवज्जो चाहिए, और इस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। छाप तिलक सब छीनी रे मुसिनना मिलाई के। तुम आज फिर इतनी देर से आए हो अहमद शाह, कब से तुम्हारा मैं इंतजार कर रही हूँ। कितनी मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जल्दी आ जाना, आज तुम्हारी पसंद का खाना बना, हमारी एनिवर्सरी है आज, इतना तो ख्याल। अहमद शाह, अहमद शाह, ये आपकी चाय, ये आप क्या हिसाब किताब करने में लग गए, इतनी रात हो गई है, सुबह भी बहुत सारे काम है। ये भी जरूरी है साबरा, मैं अपने बजट में रहना चाहता हूँ और उसके लिए हिसाब किताब जरूरी है। और उसकी सारी कसर जारा के ससुराल वालों ने पूरी कर दी है। कितने प्यार से हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर जवान करते हैं, उनकी शादी के ख्वाब देखते हैं, और जब कर देते हैं तो फंस जाते हैं, बेबस हो जाते हैं कि बेटी को उसके ससुराल में खुश रखने के लिए उसके ससुराल वालों को खुश रखना भी जरूरी होता है। और फिर ये बेटों वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बेटियां हैं, उन्होंने भी उनको बयान आया है, जो सलूक वो अपनी बेटियों के साथ चाहते हैं वो सलूक अपनी बहुओं के साथ क्यों नहीं करते, इसलिए कि बहू को बेटी समझते ही नहीं है। और मुसीबत सिर्फ हम जैसे माँ बाप की है, पहले कुछ ख्वाब दिखा देते हैं, जब हम उसको रुखसत कर देते हैं तो फिर बहाने बहाने से जाओ बाप के पास जाओ, ये लेके आओ, तुम्हारा बाप कमाता नहीं है, फलाने का हद हो गई है, कहाँ जाएं हम। सही कह रहे हैं आप, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो। हाँ बस अल्लाह ही मालिक है, बस आपको दुआ करो कि किसी तरह, सोच रहा था कि मैं कुछ ऊपर नीचे करके कुछ पैसे बचा लूँ ताकि ज़ारा को जो चीज़ें चाहिए वो भी उसके ससुराल भिजवा दूँ। सईद को हमने ही सर पे चढ़ाया है, उसकी हर वक्त की मांगें पूरी कर दी हैं। अब आपने देखा, माइयों में ना खुद आया ना अपनी माँ को भेजा, मुझे तो चिढ़ हो गई है इन लोगों से। अब क्या कह सकते हैं, बेटी का मामला है इसलिए खामोशी ही बेहतर है। मैं तो कहता हूँ साबरा बस दुआ करो कि रबिया के ससुराल वाले आखिर तक अच्छे रहें। आमीन। आप भी जल्दी से ये काम समेटिए, बहुत रात हो गई है, अब सोने आइए, सुबह बहुत सारे काम है। ए मैडू एक प्याली चाय ला दे, मेरा सिर फट गया, मेरे सिर में दर्द होगी, इतनी जोर जोर के गाने लगे थे ना, पटाखे बज गए सिर में, ला दे ना। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह मियां मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे, बेटियों के फर्ज तो उसके पूरे हो गए। सुन मेरी बात सुन, मैंने सुना कि राबिया के ससुराल वालों ने सख्ती से मना कर दिया जी इसके लिए। सख्ती से तो मना नहीं किया था, ऐसे कहा था। लदास
सावड़ा तो एक एक लफ्ज पे जोर दे के कह रही थी, सख्ती से मना कर दिया है। वैसे उसकी भी आदत है बदा बदा के बातें करती है। तो सही है अम्मी, कर भी दिया मना तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। वैसे भी जहेज इंसान अपनी बेटी को देता है ना, ससुराल वालों को क्या तकलीफ है? देख मेरी बात सुन, ये सावन भादों के बदल होते हैं ना, इनका और लड़कों का एतबार कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा खैर वो छोड़ना सारी फजूल की बातें, मुझे ये बताना कैसी लग रही थी आज? हाय तू इतनी प्यारी लग रही, चमक रही थी सब में। मैंने कहा हाय अल्लाह तेरा शुक्र मेरी बेटी हसीन दी है तूने मुझे, बहुत प्यारी लग रही। लेकिन मुझे ये बता तो डांस करते करते बीच में से कहाँ चली गई थी? वो फरखंदा और शाजिया नहीं है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। आमना का फोन लिया मैंने, उनको कॉल की, मैंने कहा इधर आना। हाँ मैं भी कहूँ, मेरी तो आंखें तुझे देख रही थी कि तू किधर गई है। चल क्या हुआ? ठीक है मेरी प्यारी सी अम्मा, अगर मैं अभी जाके सो जाऊँ मेरा एक जोड़ा ब्रश कर देंगी प्लीज? हाय अल्लाह मैं भी बहुत थकी हूँ, पर तेरे लिए जान भी हाजिर है, जा सो जा, मैं चाय पी के आराम से कर दूंगी, जा आराम से सो जा मेरी शहजादी, जा जा मेरा बच्चा, वहाँ सोती हूँ मेरी छोड़नी, मेरी छोड़नी ये जावा तेरे। फिल्म कैसी थी? बहुत बकवास, तुम्हें कभी पसंद ना आती। मैं याद नहीं कल क्या था, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया, खाना बना के रखा, तुम्हारा इंतजार करती रह गई। क्या था? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने तुम्हें फोन करके तुम्हें याद भी दिलाया। सॉरी यार मुझे, यू नो मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं, रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमसे बात की थी, तुम क्या सब भूल गए? तुम्हें ये बोला था कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमको ये सब याद नहीं है? कैसे भूल सकते हो तुम? नहीं मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बिजनेस पार्टनर के साथ मेरी मीटिंग है, उसके बाद उन्होंने इंसिस्ट किया कि फिल्म देखने चलते, मैं रिफ्यूज नहीं कर सका। इट्स वर्क डियर। अच्छा मैं सारा दिन इस घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम कभी मेरा सोचते हो, कभी मेरी तरफ देखते हो? तो मैं क्या करूं, सारा दिन मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें एंटरटेन करता रहूं, तुमसे बातें करता रहूं। 8 साल हो गए हमारी शादी को, क्या मैं 8 सालों से यही करता रहता और कुछ ना करता? ये जो लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं इसके लिए मुझे काम नहीं करना, सारा दिन मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूं, कुछ ना करूं और जिंदगी? लेकिन मेरी जिंदगी में तो सिर्फ तुम ही हो ना, और तो कोई नहीं है मेरा यहाँ, तुम्हारे होते हुए मैं तनाई का शिकार हूँ। मेरी जगह पे आके तो देखो तुम, तब तुम्हें समझ आएगी मेरे पास और है ही क्या सिवाय तुम्हारा इंतजार करने के लिए। क्यों करती रहती हो, क्यों मेरा इंतजार करती रहती हो? तुम जाती क्यों नहीं बाहर, तुम्हें नेबर्स बुलाते, तुम कभी भी नहीं जाते, सारा दिन तुम घर में बैठी रहती। बाहर कितना भी वक्त गुजारे आखिर घर तो वापस आना होता है ना, और फिर तुम्हारी तो कभी फिर भी मुझे महसूस होती रहेगी ना। इतनी बड़ी लिखी होने के बावजूद तुम जाहिल औरतों की तरह बातें करती हो, तुम्हारा मसला क्या? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना असल भूल जाऊं, मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, मैं इस तरह हर वक्त तुम्हारा इंतजार करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? आई ऑल्सो नीड यू, लेकिन इस तरह तुम जाहिलों की तरह जो बातें करोगी तो मैं क्या करूंगा? प्लीज ये छोटी छोटी बातें दिल को लगा के मत बैठा करो प्लीज। इन छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी बनती है अहमद शाह, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर सकूं इन बातों को नजरअंदाज करूं। लेकिन कल तो मेरे लिए एक बहुत अहम दिन था और मैंने तुम्हें बताया अभी, बताने के बावजूद फिर भी तुमने यही किया ना। हो गई ना तुम्हारी सुबह 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 चिक 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 और तुम कितने दोबारा शुरू हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर बैठता नहीं। कसूर मेरा ही है जो मैं तुमसे शिकायत करती हूँ। क्या किया ना तुम्हें सॉरी, इसे ज्यादा मैं क्या कहूँ अब तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे सॉरीज और आई लव यूज, अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ तुम मुझे ये सब कुछ कहते हो। गलती मेरी है जो मैं तुम जैसे इंसान से शिकवे करती हूँ। ठीक है तुम यहाँ बैठो, अकेले नाश्ता करो, मैं बाहर जाके नाश्ता कर रहा हूँ।
और बताओ, हुआ बुरहान की नौकरी का कहीं कुछ? नहीं यार, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। दुआ करो हो जाए जल्दी। खाली कोशिश करने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ निकलो ये बुरहान के चक्कर से और अपने लिए कोशिश खुद करो। क्या मतलब है मैं नौकरी करूँ? पागल हो गई हो तुम? तुम क्यों करोगी नौकरी? बेवकूफ लड़की, खूबसूरत लड़कियाँ नौकरी करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि शौहर की कमाई पर राज करने के लिए होती हैं। अब मुझे ही देख लो, याद है तुम्हें शादी से पहले सिर्फ दो जोड़े बना करते थे, वो भी ईद के ईद। और आज आज एक दफ़ा एक सूट पहन लूँ उसके बाद नौकरों के हवाले कर देती हूँ। पर ये भी तो फजूल खर्ची है ना। कितनी मेहनत से तुम्हारा शौहर कमाता है और तुम उसकी सारी कमाई को ऐसे आग लगा देती हो। अरे तो मर्द कमाता किसके लिए? बीवी के लिए ना। मगर तुम्हें ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब किसी अमीर आदमी से शादी होगी ना, तब पता चलेगा कि अमीरों की जिंदगी क्या होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझना नहीं चाहती हो। ये बुरहान के चक्कर से निकलो और किसी ऐसे बंदे से शादी करो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। अब मुझे देखो, मेरे मुंह से बात अभी निकलती नहीं है कि हम्माद मेरी ख्वाहिश यूँ पूरी कर देते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ पैसों की खातिर मैं अपने बुरहान को छोड़ दूँ? माना तुम्हारा शौहर बाहर काम करता है, बड़े पैसे भिजवाता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं है ना। हद हो गई है। और एक मेरा बुरहान है देखो, हर वक्त मेरे पास होता है, जब चाहूँ उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें इंसान एक दूसरे को देखने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए तरस के रह जाए। मेरा शौहर भी हर वक्त मेरे साथ होता है, इस वीडियो कॉल पर जब चाहा बात कर ली और जब चाहा तस्वीर देख ली। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तस्वीर तो मुर्दों की भी उतर जाती है, लेकिन उनसे आप बात नहीं कर सकते, वो आपके साथ नहीं होते। ये कोई बात नहीं होती, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी होता है, वरना कोई मतलब नहीं है मोहब्बत का। हकीकत पसंदी भी कोई चीज़ होती है, भूखे पेट मोहब्बत नहीं होती। जब इश्क का भूत उतरता है ना, तो शादीशुदा जिंदगी पता लग जाती है। आय हाय, तब की तब सोचूंगी मैं। अभी तो मुझे अपनी इस जिंदगी के बारे में सोचना है, जिसमें मैं हूँ, बुरहान है और तीसरी हमारी मोहब्बत। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, अंदर जाके बैठते, मैं थक गई हूँ यहाँ पर। देखती हूँ कुछ अगर खड़ पड़ा हुआ ना अच्छा सा खाने के लिए तो दूँ। चाय पीनी? बिल्कुल पीऊंगी। चलो अगर तुम बना के पिलाओगी तो जरूर। नहीं तो और किसने बना के पिलानी है, मैं ही हूँ तो मैं ही दूंगी ना। कहते हैं जिससे मोहब्बत करो तो उसे आजाद छोड़ दो, तो वो जरूर पलट के आता है, फिर वो तुम्हारी कदर करता है। शायद हमारे रिश्ते को भी कुछ दूरी की जरूरत है, हमें करीब आने के लिए एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है इस दूरी की वजह से हमें अपनी अपनी गलती का एहसास हो, खुदा करे ऐसा ही हो। क्या सबके साथ यही होता है? शादी के कुछ अरसे बाद क्या सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? अहमद शाह को मेरी बातें अब क्यों समझ नहीं आते? उसके और मेरे बीच में क्या कुछ बाकी नहीं रहा? अब तो एक एक करके मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। मैं उसके साथ तो हूँ मगर बहुत तनहा हूँ। इस नाम के रिश्ते को मैं कब तक बचाने की कोशिश करती रहूंगी? साइमा इंतजार करो, मेरा ये गजरे वाले फूल भी ये लेकर जाने था। अरे क्या है? तो तुम भी ना, आज मुझे फूल मत मारना। आज मैं फूल तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि पहनाने के लिए लाया था। देखो तो ये कलियां तुम्हारे हाथों में आते ही खिल गई। पहना लिया आपने, हुआ आपका? अब मेरा हाथ छोड़ देंगे प्लीज? पागल, हाथ छोड़ना कमज़ोरों की निशानी होती है। मुझे लगता है बुरहान के ये सस्ते डायलॉग्स ना तुम बाद में भी मार सकते हो, अभी मुझे कुछ काम है। वैसे पता मैं क्या सोच रहा था, आज के दिन मैं और तुम भी निकाह कर लेते, तुम भी दुल्हन लग रही हो और मैं तो दूल्हा से कम लगते हैं। मुझे लगता है कि मुझे मामू को आवाज देनी ही पड़ेगी अब। प्लीज दो, तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ मामू से तुम्हारे? अच्छा मामू? अरे बस जरा और ऊंची आवाज दो ना, इतनी सी आवाज पे मामू नहीं आते। अभी देती हूँ मामू। बस अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हूँ तो इसे मेहमानों को देखने की भी मोहलत दे दो। सईद भाई मुझे आवाज देनी थी आपको, मैं आ जाता। ऐसे मौकों पर आवाजें कहाँ सुनाई देती हैं।
जारा, बोल रही थी ना तुम्हें। बुरहान, बुरहान, तुम क्या कर रही हो? वो बारात आ गई ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। बुरहान बेटा, बारात आ गई है, दो बसें भर के लेकर आए। और 70 लोगों का कहा था, वहाँ तो 200 लोग लग रहे हैं। ना हमारे पास कुर्सी है बिठाने को, ना खाने का इंतजाम है, अब क्या करें? ऐसा करो, मर्दाना में सब्बू को बुला कर ले आओ। अच्छा, हमें तो आपने सख्ती से 70 लोग लाने को कहा था, इनसे ना कहा गया कुछ भी? सईद बेटा, यकीन मानो 70 लोग ही डिसाइड हुए थे। तो फिर ये 200 लोग कहां से आ गए? इसीलिए तो हम सब परेशान हैं। आप लोग खामखा क्यों परेशान हो रहे? मैंने अपने दोस्तों को फोन कर दिया और एक्स्ट्रा खाना भी ऑर्डर कर दिया। मेहमानों को बाहर छोड़कर हम लोग यहाँ खड़े हुए। बिल्कुल सही कह रहे। और वैसे भी अल्लाह ताला लड़कियों के कामों में बरकत डाल देता है, इसी में पूरा हो जाना, आपको पता ही नहीं लगना, देख लेना। और हाँ बुरहान, ज्यादा खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तू देख लेना, सब हो जाएगा। मैं खुद जाके देखती हूँ देगों को। और सारे यहाँ खड़े हो, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आप लोग यहाँ। चल भाभी, चल चल चल, आ जा, आप आए, आ जाए आप। जितनी तुम हसीन लग रही थी ना, कसम खुदा की अब उतनी ही रोने लगी। ये तो अफसोस हो रहा है, सारी जिंदगी तुमने मुझे धोखा दिया, असली शक्ल तो तुम्हारी ये है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। वैसे रो क्यों रही? जब किसी खास सहेली की शादी होती है ना, तो लड़कियों को आता है रोना। अरे बेवकूफ, सारी लड़कियां जेलसी में रोती हैं कि उस मनहूस की शादी होगी, हमारी क्यों नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे एक एक करके तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी होगी, मुझे लग रहा है हमारी शादी पे तो मुझे ही रोना पड़ेगा। सिर्फ दुल्हनें रोती हैं, दुल्हे नहीं रोते। क्या आला बात कही, शादी के दिन सिर्फ दुल्हन रोती है, फिर सारी जिंदगी बेचारा दूल्हा। ठीक है रोना जी। नहीं वैसे आज मैं अच्छी लग रही थी ना। अच्छी लग रही थी? ज्यादा सोच के बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग कह रहे थे मैं बहुत अच्छी लग रही थी। दुल्हन को तो कोई देख ही नहीं रहा था, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। सच बताओ, बहुत प्यारी लग रही थी। है ना? पता है मुझे। Thank you.
कद बेजावे जिंद तेरे नाला फिर पावे मर जावा ढोला आ गई शहजादी आ गई अम्मा चाय बना दे मुझे छोटे बूटे का इतनी बड़ी होगी घोड़े इतनी चाय मैं बना दूँ तुझे तो ठीक है कल से खुद बना लूंगी इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है आपके लिए भी बना दिया करूँगी मैं चाय की बात नहीं करी हाँ तो क्या हो गया नाश्ता भी बना दूंगी वैसे बना मैंने देना लेकिन पसंद नहीं आपको आएगा आपके हाथ के नाश्ते की बात ये लगे मैं बुढ़ान की और टेढ़ी बात कर रही हूँ तो करें ना बात वैसे भी आप कह रही थी कि मैं बड़ी हो गई मैडू मैं सीरियस हूँ मैं और बुरहान भी देख बेटा मेरी बात सुनो इस तरह छतों पे छुप छुप के मिलना जो है ये अच्छी बात नहीं होती है देख वो तो है लड़का उसको कोई कुछ नहीं कहेगा सारे मुझे सारे यही कहेंगे तुम्हारी लड़की जो है वो थी ऐसी वैसी फिर क्या बोलूंगी मैं आपको क्यों कोई बातें सुनाएगा मिलने तो मैं जा रही हूँ ना मैं तेरी माँ जो हुई अच्छा बुरा बताने के लिए लोग कहेंगे इसने क्या मत दी अपनी लड़की को आपको कोई कुछ भी बोले ना तो उनको साफ साफ बोल देगा कि मेहरमा अपनी मर्जी की मालिक है अपनी मर्जी से छत पे जाती है मिलने के लिए मेरे मामू का बेटा है बचपन से साथ है हमारा एक वो ही तो है मेरा और है कौन क्यों वो तेरी सहेली नहीं है वो जो कच्ची पक्की से तेरे साथ थी फड़खंदा और वो जो शाजिया थी मेट्रक में साथ थी और क्या चाहिए तुझे हाँ और भी नाम ले लें सादिया शबनम शकीला कोई रह गए तो वो भी ले लें अच्छा अम्मा काम वाम छोड़िए तो होते रहेंगे जी बताया मेरी और बुरहान की बात कब करेंगी बंद कर जा अपने कमरे में नाश्ता लेके आती हूँ मैं चल उठ बक बक लगाई हुई है जा उठ जा बुरहान की बात कब करेंगी बुरहान की बात कब करेंगी दिमाग चल गया है पागल हो गई है आपने बुलाया मुझे हाँ बेटा उठ गए जी बेटा ये इसमें 2 लाख रुपए हैं और ये कुछ रसीदें हैं जिसका जो जो देना है आज शाम तक सबका अदा कर दो ये पैसे कहाँ से आए एक दोस्त से ले रखे थे एहतियातन सोचा था कि भाई जरूरत पड़ गई तो इस्तेमाल कर लूंगा नहीं तो ऐसे ही वापस दे लूंगा अब तुम देख ही लो तुम्हारे सामने है जरूरत पड़ी गई ना वो ब्याह शादी के मामले में ऐसा हो जाया करता है कोई बात नहीं अच्छा तू उदास ना हो दुआ कर कि बहन अपने घर में खुश रहे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए करते ही अब तो हमारी नजरें तेरी तरफ लगी हुई हैं तो तेरा मुस्तकबिल देख रही हैं मैं तो तेरे सामने रिटायर हो गया बाबा सब कुछ तो आपके सामने कितनी जगह पे सीवी डाली हुई है कोई जवाब ही नहीं अल्लाह पे यकीन रखो वो अच्छा ही करेगा कोई बात नहीं हौसला नहीं आ रहा जा शाबाश ये दे दे कोई बंदा दरवाजे पे नहीं आना चाहिए मांगने वाला आपकी चाय सामान पैक कर दिया मेरा मैं अभी जा रहा हूँ सिर्फ आपका क्यों मैं भी साथ चलूंगी रबिया की शादी में देखा तुमने तुम्हारे अब्बा ने कितने पैसे खर्च किए मैं तो पहले ही कहता था तुम में और रबिया में वो बहुत फर्क रखते हैं वो जब हमारी शादी हुई थी ना उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी अब महंगाई ज्यादा है ना इसलिए ज्यादा खर्चा हुआ है हमारी शादी में तो 70 लोग इनवाइटेड थे रबिया की दफा 200 लोग कैसे आ गए नहीं नहीं हमने तो 70 लोगों का ही कहा था तो वो लोग 200 लोग लेके आ गए थे अब्बा बेचारे को तो पता ही नहीं था कितनी मुश्किल से हमने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया है आप तो देख ही रहे थे ना मेरे घर वाले कल कितने परेशान थे और मैं जो अम्मा की रोज सुनता हूँ ना टीवी है ना फ्रिज है ना डाइनिंग टेबल वो अब्बा के पास अभी गुंजाइश नहीं है जब होगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा अल्लाह जाने उन पे कितना कर चढ़ा होगा अभी मैं जा रहा हूँ मुझे ऐसे लोगों में नहीं रहना जो 2 बेटियों के दरमियान फर्क रखते मैं भी आपके साथ चलूंगी तो अपने अब्बा से कहो ये 3 चीजें भी तुम्हें दे दें तो एक साथ चलते सही
अहमद शाह, मेरी आज पापा से बात हुई थी, मैं कल पाकिस्तान जा रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ अहमद शाह। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ, तुम मेरी फिक्र ना करना, आई मैनेज। कितने दिनों के लिए जा रही हो? ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है कि मैं वहां कितने दिन रहूंगी। मैं इस बात का फैसला कैसे कर सकता हूँ? तुम अपने फादर से मिलने जा रही हो। तुम जानते भी हो मैं क्यों जा रही हूँ। क्यों, कोई मसला है? सब ठीक तो है घर पे? मैं इसलिए जा रही हूँ अहमद शाह कि मुझे यूं लगता है कि हम एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे। हमारे बीच की आरजी दूरी शायद उस मोहब्बत के एहसास को दोबारा जिंदा कर दे जो साथ रहते रहते खत्म होता जा रहा है। मुझे तुम्हारी ये किताबी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, इसकी वजह मुझे मत बनाओ। हमेशा की तरह इस बार भी मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आए तो सोचना जरूर कि मैंने क्या कहा था। क्या कहा था? यही कि मोहब्बत का हो जाना या मिल जाना इतनी अहमियत नहीं रखता जितना मोहब्बत को जिंदा रखना होता है। तभी तो रिश्ते बनते हैं और कायम भी रहते हैं। और शायद मैं इस रिश्ते को अभी बचाना चाहती हूँ। अगर तुम भी इस रिश्ते की अहमियत से वाकिफ हो जाओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, फ्लाइट कब की है? कल, कल सुबह के। मैं भी इंतजार करूंगा कि तुम्हारे दिमाग की खलल कब खत्म। तुम्हें मैं एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकता, कल ऑफिस में बहुत काम है।